बड़ी खबर। नाबालिग बेटी ने मां से कहा पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाने पर पता चला असली बात। सोनीपत प्रदेश में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला तो प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री के गृह जिले की ही है। सोनीपत से नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। वही रेप के बाद लड़की 2.5 महीने की गर्भवती हो चुकी है। बता दें कि नाबालिग लड़की गुजारा करने के लिए सफाई का काम करती थी, उसकी माँ भी यही काम करती थी। लड़की के पेट में दर्द होने के बाद उसकी माँ ने डॉक्टर के पास लेकर गई, तब इस बात का खुलासा हुआ। फिलहाल लड़की के बयान पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सोनीपत के सेक्टर 15 में एक नाबालिग लड़की, पता चला कि यह गर्भवती है। जब नाबालिग से पूरे मामले में पूछा गया तो उसने बताया कि एक अंकल ने उसके साथ गलत काम किया था, जिसके घर साफ सफाई का काम करती है। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS इंडिया आज ही प्रेसो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।